आपके मन में भी सवाल आया होगा कि हमेशा लड़कियों की आवाज ही क्यों पतली होती है और हमारी आवाज गहरी होती है, इसका कारण आपको पता है। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और इस एपिसोड का नाम है मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। तो ये सब जानने के लिए अपनी आंख कान नाक और सभी इंद्रियों को काबू में रख के इस वीडियो में चिपक जाइए और बिना टाइम की कवाली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। लड़कियां जब 12 या 14 वर्ष के होते हैं तो उनकी आवाजों में भारीपना आने लगता है, जबकि लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आवाज पतली पतली रहती है। जब किशोरावस्था के दरमियान लड़के और लड़की के शरीर में बाहर या अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर के हार्मोन विकसित हो जाते हैं, वो बजाने वाला हार्मोनियम नहीं। लड़कों में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और महिलाओं में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। लड़कों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंठ यानी कि गले में प्रभाव डालता है, यह गले के भीतर की कंठ नलियों की लंबाई और चौड़ाई में बदलाव लाता है, जिसके कारण लड़के के कंठ का आकार खुलने पर आवाज में भारीपना आ जाता है। स्त्री में यह हार्मोन नहीं होता, इसलिए स्त्री की आवाज वैसी पतली लगती है। हालांकि ये हार्मोन हर एक लड़के को प्रभाव नहीं डाल पाता, इसीलिए सबका आवाज भारीपन नहीं होता। आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा कि लड़की की आवाज पतली और लड़के का आवाज भारी क्यों होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे और आपके दी एवरीवन हियर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबा देना, क्योंकि नए वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके फ्रेंड परिवार गर्लफ्रेंड सभी को ये वीडियो शेयर कर देना और आपके भेजे में जो भी दौड़ रहा है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना या इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे फॉलो करो और डीएम करो। जो सवाल अच्छा हुआ तो मैं उसी पे ही वीडियो बना दूंगा और दूसरा कुछ तो है ही नहीं। कहने के लिए तो जय हिंद जय भारत।